नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी जो समस्याएं थी महिलाओं के लिए, उसका एकदम दरवाजा खुल गया है। वो एकदम निश्चिंत होकर अब फॉर्म फिल कर सकती हैं कि जो आप लोग कह रहे थे कि सर अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो बिहार में उनके लिए सीटेट का कट ऑफ क्या चाहिए, तो उसके लिए जो सीटेट का कट ऑफ है वो भी बिहार में जो महिलाओं का कट ऑफ है सेम रहेगा। लॉजिक ये है, लॉजिक आप ये समझो कि जो आपका जो महिलाओं का कट ऑफ दिया गया है बिहार में, तो बिहार में जनरल महिला ना, बिहार में जो जनरल महिला है तो जनरल महिला का कट ऑफ जो सीटेट के लिए डिक्लेयर किया गया है वो 55%, मतलब आपका 82 नंबर के आसपास, ठीक है, 55% किया गया है। तो जो अदर स्टेट की महिला होंगी, अदर स्टेट की जब महिला होंगी, फीमेल जो होंगी, वो आपका अगर फॉर्म फिल करेंगी तो बिहार के फीमेल के यूआर में ही तो आएंगी, बिहार के फीमेल के यूआर में आएंगी। तो जाहिर सी बात है जो इनके लिए लग रहा है 55%, वही अदर स्टेट के फीमेल के लिए भी 55% लगेगा। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, जिनका भी मतलब सीटेट में 82 से ऊपर स्कोर है, 82 से ऊपर, ठीक है, 55% अगर आपने पाया है सीटेट में, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी में फॉर्म भर सकती हैं। प्राइमरी में ये सिर्फ जो है एक तरह से बोला जाए 1-5 प्राइमरी में भर सकती हैं, और ये सिर्फ फीमेल के लिए लागू है। अगर कोई ये सिर्फ जो है ये कट ऑफ जो है सिर्फ फीमेल के लिए लागू है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं ओबीसी हूं, तो ओबीसी में आप जाओगे जब आप ऐसे यूआर ट्रीट किए जाओगे, ओबीसी हैं तो आप ऐसे जब वहां जाओगे तो एज यू आर ट्रीट किए जाओगे, तो आपको जनरल कट ऑफ होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन जो महिला है, जो फीमेल है यहां की, वो यू आर की फीमेल जो वहां जाएंगी वो भी आपकी क्या यू आर फीमेल में ही काउंट करेंगी। तो जब बिहार में यू आर फीमेल की कट ऑफ 55% है, तो जाहिर सी बात है ये भी यू आर में ही जाएंगी, तो 55 ही इनके लिए भी लगेगा। अब ओबीसी की जो फीमेल है वो भी आपकी कोई भी फीमेल, अगर कोई ओबीसी की फीमेल बन रही है तो वो भी अगर फॉर्म फिल करेंगी बिहार में तो वो भी यूआर बन जाएंगी। तो जब यूआर के लिए यहां 55 है ही है, तो कोई भी फीमेल किसी भी कास्ट की है उनके लिए बिहार में 55% ही है। बाकी पुरुषों के लिए जो आपके ओबीसी हैं चाहे एससी हैं, ठीक है, पुरुष चाहे आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अदर स्टेट का है, तो उसके लिए आपका 60% ही चाहिए, मतलब 90 मार्क्स चाहिए बिहार का फॉर्म भरने के लिए सीटेट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो बिहार के आपके ओबीसी एससी एसटी हैं उनके लिए जो मैंने पहले से बताया था वही आपका लागू होगा। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अदर स्टेट की जितनी महिलाएं कई बार मुझसे फोन करके कमेंट करके कि सर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, फॉर्म फिल करें कि ना करें, क्योंकि 12 तारीख आपका लास्ट डेट है, तो 12 तारीख से पहले पहले आप सभी फीमेल जिनके भी 82 मार्क्स हैं, मतलब 55% मार्क्स हैं, वो फॉर्म फिल कर सकती हैं एकदम निश्चिंत होकर। तो सभी लोग फॉर्म फिल करिए, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले जिनको भी कोर्स खरीदना है, मतलब प्राइमरी की तैयारी करना है अदर स्टेट वाले, वो प्राइमरी की जो है हमारे यहां निशुल्क 1-5 की जो तैयारी है प्राइमरी की वो निशुल्क हो रही है। आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाइए, पूरी वीडियो क्लास हमारी जो है आपको फ्री है, बस आप जाके व्यू डेमो करेंगे, वहां बाई नाउ आएगा, लेकिन बाई नाउ आपके वीडियो के लिए नहीं है, ये आपका पूरा पूरा फ्री है। आप व्यू डेमो करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, जो 399 का पेमेंट है वो सिर्फ आपको पीडीएफ नोट्स के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पीडीएफ नोट्स पढ़ लेते हैं तो इतना अच्छा कंटेंट आपका है, जो बिहार जो एस्टेट की जो किताब है एससीईआरटी की, बिहार एससीईआरटी की जो किताब है उसी के बेसिस पर बनाया गया, और एस्टेट जो इससे पहले बिहार में पूछा गया था उनमें जो प्रश्न पूछे जाते थे उनके बिहाफ पर भी इनमें कुछ फैक्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।